हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आगमेक एकेडमी आई एम योर टीचर फॉर दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीआर टी एग्जैम्पलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव के ऊपर बेस्ड इसके हम एम सी क्यूज डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द एम सी क्यूज इसी एक्सरसाइज के वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर टिल क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट तो दोज हुई हैव नॉट डन तो वो बेटा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं उसमें आपको सारे इन क्वेश्चंस जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप थे हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 35 उनके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे राइट right? तो इस लेक्चर में जो हम करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 49 ऑनवर्ड्स अब ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको पता है इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं लाइक वी हैव मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस टेंजेंस एंड नॉर्मल्स एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज तो जब इतने सारे सब टॉपिक्स होते हैं ना किसी चैप्टर के तो उसके क्वेश्चन ज्यादा आने की टेंडेंसी हो जाती है चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो जेई मेन्स हो एडवांस हो या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो जिस भी चैप्टर में सब टॉपिक ज्यादा होंगे तो एक एक भी सब टॉपिक के ऊपर अगर एक क्वेश्चन डालें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के ज्यादा आते हैं और अदरवाइज दिस चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि इसमें बहुत सारे कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं हैं जो हमें यूज करने होते हैं तो बेसिक टेंजेंट नॉर्मल में अगर आपको स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और डिफ्रेंशिएशन आपको आती है तो सभी में लॉजिकल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं देर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूलाज एज सच बेसिकली राइट तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर द ओनली थिंग इज़ वी रिक्वायर प्रैक्टिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा इजीली हो जाता है तो स्टार्ट करते हैं बट बिफोर वी डू दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको लेक्चर्स की जो हो चुके हैं या जो आने वाले हैं उन सब के बारे में पता हो नोटिफिकेशन मिलती रहे अब जैसे इसमें अगर किसी ने हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे बेटा उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा जो एन सी में एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिवस है तो इसके एम जो एग्जाम्पल्स है ऑल राइट right, वैसे तो देखो सॉल्व होते हैं आपके इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पर कई बार ही बहुत बच्चों को देख के सोल्यूशन समझ में नहीं आता है या सिर्फ ऑप्शन लिखी होती है कि ये वाली ऑप्शन करेक्ट है एक्सप्लेनेशन पार्ट मिसिंग होता है अगर आप बुक देखोगे तो इफ़ यू नीड टू सी दी फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल राइट तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स किए हैं राइट तो स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 49 नाइन ऑनवर्ड्स के हम इसमें डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 49 तो ये देखो हमारे पास क्या है लेट अस रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन इज दिस दैट द फंक्शन क्या फंक्शन दिया है देखो एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन क्यूब एक्स माइनस सिक्स साइन स्क्वेर एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस हंड्रेड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने बताना है किस इंटरवल में होगा इज इट ऑल राइट तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम क्या बोलते हैं देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कोई भी फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इज इट ऑल राइट किसी भी इंटरवल में तो उसमें f डैश एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इज इट ऑल राइट उस इंटरवल में और अगर हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अगर कोई भी फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में तो वो तब होगा जब आपका एफ डैश एक्स विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो तो इसमें ऑब्वियसली आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो निकालते लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन जो हमें दिया है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू फोर साइन क्यूब एक्स ऑल राइट देन वी हैव माइनस सिक्स साइन एक्स फिर हमारे पास है प्लस ट्वेल्व साइन एक्स और प्लस हंड्रेड इज इट ऑल राइट दिस इज वॉट वी हैव तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव तो लेट एस विद रिगार्ड टू एक्स डिफ्रेंशियट तो कर रहे हैं तो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू पहली टर्म का लो चेन रूल से लेंगे थ्री फोर साइन स्क्स इन टू साइन एक्स का डेरेवेटिविल बी कॉस एक्स अगली टर्म लेते हैं टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना कॉस एक्स इज इट ऑल राइट फिर ट्वेल्व साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वेल्व कॉस एक्स इज इट ओके ये हो जाएगा और अगर आप देखोगे हंड्रेड तो वो तो बेटा कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा जीरो तो ये डेरिवेटिव आ गया अब आप नोटिस करो इसमें क्या कॉमन है इन एवरी टर्म वी हैव ट्वेल्व कॉसेक्स कॉमन सो लेट अस टेक इट कॉमन वी आर लेफ्ट विथ पहली टर्म में वी हैव साइन स्क्वेयर एक्स देन वी हैव माइनस साइन एक्स ऑल राइट और फिर हमारे पास आखिरी टर्म कितनी आएगी वन अब आप ये ब्रैकेट के अंदर वाला अगर एक्सप्रेशन देखो ठीक है इसमें अगर हम अभी फिलहाल साइन एक्स को देखो अगर टी ले लें सपोज तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है देखते हैं क्या बन रहा है इट इज टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन अब अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाओगे ना या इसको देखो जीरो पुट करोगे तो आपके पास डी नेगेटिव आएगा तो इसके नो रियल रूट्स हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के या एक चीज अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्र से देखना चाहते हैं तो देखो क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्र कैसे करते हैं जैसे टी स्क्वेयर का कोफिशंट वन चाहिए होता है जो कि ऑलरेडी है तो यहाँ पे टी लिखेंगे फिर टी का कोफिशन माइनस वन है उसको क्या करते हैं टू से डिवाइड तो माइनस वन बाई टू और यहाँ पे लिख देते हैं होल स्क्वेयर ओपन करोगे तो टी स्क्वेयर माइनस टी एक्स्ट्रा टर्म आ गई वन बाय फोर तो वो सब करो माइनस वन बाय फोर और ये जो कांस्टेंट है प्लस वन दिस विल कम एज इट इज तो ये बन गया हमारा टी माइनस वन बाय टू का स्क्वेयर और प्लस थ्री बाय फोर अब देखो ये परफेक्ट स्क्वेयर है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो टी माइनस वन बाय टू का स्क्वेयर और उसमें थ्री बाय फोर एड कर रहे हो तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल टी ज इट ऑल राइट हर टी के लिए ये एक्सप्रेशन हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन साइन एक्स के टर्म्स में यह है तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इज इट ऑल राइट तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स तो इसका मतलब अगर हमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है स्ट्रिक्टली तो जैसे हमने यहां पे कहा था ये देखो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता है जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होना चाहिए तो एक फैक्टर ये वाला तो हमारा पॉजिटिव ही हो गया ना तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव है ये इस बात पे फर्क पड़ेगा कि कॉस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव है बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू एफ डैश एक्स नेगेटिव इज इट ओके तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिपेंड करेगा कॉसेक्स पे तो आप देखते हैं यहां पे नाउ वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू एक तरह से पहले इंक्रीजिंग चेक करते हैं कि एफ इंक्रीजिंग कब होगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ right? तो अगर स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हमें चाहिए तो एफ डैश एक्स शुड बी स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन जीरो अब देखो ट्वेल्व भी हमारा पॉजिटिव है और ये फैक्टर भी हमारा पॉजिटिव है तो कॉसेक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी पूरा प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा तो कंडीशन यह है कि कॉसेक्स होना चाहिए आपका पॉजिटिव इज इट ओके अब अगर आप ऑप्शन पे एक नजर डालो तो आप देखोगे हम किन इंटरवल्स की बात कर रहे हैं ऑब्जर्व करो पाए से थ्री पाए बाय टू पाए बाय टू से पाए माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू जीरो से पाए बाय टू कॉस एक्स पॉजिटिव चाहिए तो इंक्रीजिंग जैसे बात हो रही है सिर्फ ए ऑप्शन में अब पाए से थ्री पाए बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट हुआ थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस पॉजिटिव नहीं होता तो ए ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो गई इज इट right? क्योंकि हमने यहां पे देखो क्या बोला है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कॉसेक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो आप ये बोल सकते हो यहां पे कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा किस इंटरवल को पॉजिटिव कब होता है माइनस पाई बाय से लेकर 0 कह सकते हो ठीक है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो जाएगा 0 से लेकर पाइव बाय टू में फोर्थ और फर्स्ट में हमारा कॉसेक्स क्या होता है पॉजिटिव तो ये ए ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो गई अब लेते हैं हम डिक्रीजिंग कब होगा इज इट ऑल राइट दिस फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो फंक्शन के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए हमें चाहिए कि f डैश एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो अब फिर से यहां पे नजर डालो ये वाला फैक्टर हमारा हमेशा पॉजिटिव है 12 भी हमेशा पॉजिटिव है तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेरिवेटिव नेगेटिव तब बनेगा जब कॉसिक्स नेगेटिव है इट ऑल राइट तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि कॉस एक्स जो है वो हमारा होना चाहिए नेगेटिव अब कॉस एक्स नेगेटिव कब होता है देखो इट इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है पाए बाय टू से पाए तो भी बेटा हो जाएगा ठीक है अगर हम सिर्फ जीरो से टू पाए अगर अभी देख रहे हैं या फिर अगर एक्स बिलोंग कर रहा है आपका पाए से लेकर थ्री पाए बाय टू मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो इनमें कॉस्ट नेगेटिव होता है और फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखते हैं क्या कोई ऑप्शन डिक्रीजिंग के लिए मैच हो रही है अब देखो डिक्रीजिंग वाली ऑप्शन आपको तीन दी हुई है ये देखो ये है आपका डिक्रीजिंग इन पाई बाय टू से लेकर पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट है कॉस नेगेटिव होता है बिल्कुल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है आगे की भी ऑप्शंस चेक करो अगर हम बात करते हैं माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू की तो ये तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट हुए इनमें कॉस्ट पॉजिटिव होता है तो यहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा फिर जीरो से पाबाई टू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि हमने देखा फंक्शन डिक्रीजिंग तब है जब कॉस एक्स नेगेटिव है तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल राइट सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इज क्लियर टू यू अगले पे मूव करते हैं एट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाए बाय टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है ये हमें बताना है तो एक एक करके ऑप्शन लेनी पड़ेंगी तो पहले ए ऑप्शन में चेक करते हैं लुखिर ए ऑप्शन में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल जीरो से लेकर पाए बाय टू तक तो आपको डिक्रीजिंग बताना है तो आप डेरिवेटिव निकाल लो यहां पे। तो एफ डैश एक्स विल कम आउट टू बी टू कॉस टू एक्स इज इट ऑल राइट ये हो गया अब अगर फंक्शन हमें डिक्रीजिंग चाहिए ठीक है तो अगर एफ डिक्रीजिंग चाहिए बेटा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स होना चाहिए हमारा नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब टू तो चलो पॉजिटिव ही होता है तो इसका मतलब कॉस टू एक्स शुड बी नेगेटिव इज इट ऑल राइट अब आप नोटिस करो कि हमारे पास अगर x बिलोंग कर रहा है देखो ज़ीरो से लेकर π बाय टू ओपन इंटरवल इसका मतलब ये हो गया ना कि x ज़ीरो से बड़ा है और लेस देन है π बाय टू यहाँ पे एंगल आपके पास 2x है तो देखते हैं 2x एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा तो ये इनिक्वेलिटी जो है इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं वॉट आर वी गेटिंग ज़ीरो इज लेस देन टू एक्स इज लेस देन पाए अब जीरो से पाए में आपके पास दो क्वाड्रेंट्स आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। और तो कॉस टू एक्स पूरे में नेगेटिव से लेकर मतलब ए हमारी क्या हो गई रॉन्ग हो गई इट ओके फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में कॉस्ट टू एक्स नेगेटिव नहीं होता इट ओके बी ऑप्शन लेते हैं बेटा नाउ लेटस टेक नाउ ऑप्शन बी ऑप्शन में देखते हैं हमें फंक्शन क्या दिया है इंटरवल तो वही है ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाय बायू तो देखो टेन एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अब टेन एक्स आपका फंक्शन है इज इट ऑल राइट यह देखो और इंटरवल वही है x बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाय टू तो आपको देखना है डिक्रीजिंग कब है तो एफ डैश एक्स देखो आपको पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेर एक्स जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है वैसे तो ये इज इट क्योंकि सीकेट एक्स की रेंज याद है ना क्या होती है या तो होता है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन या फिर वन या वन से बड़ा तो अगर उसका स्क्वेयर लेंगे वो हमेशा वन या वन से बड़ा होगा तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए लेस देन जीरो तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग लेटेस्ट चेक नाउ सी ऑप्शन सी ऑप्शन में देखते हैं कि हमें फंक्शन क्या गिवन है इज इट ऑल राइट ना ऑप्शन में आपको फंक्शन गिवन है कॉस एक्स इज इट ओके तो एफ एक्स है हमारा कॉस ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर पा बाई टू ओपन इंटरवल तो डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स का डेरेवेटिव माइनस साइन एक्स अब देखो अगर एक जीरो से पाई बाय टू में है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव जब एक्स इसमें है तो इसका मतलब ये वाले केस में एफ इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाए बाय टू इज इट ओके ये हो जाएगा या फिर पता है आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो देखो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप ग्राफ बना के सिंपली जीरो से पाई बाय टू में कॉस का अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेते तो भी आपको इमीजिएटली पता चल जाता कि यही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि कॉस जीरो वन होता है कॉस पाई बाय टू जीरो होता है यू नो दैट ग्राफ गोज लाइक दिस ऐसे ग्राफ जाता है तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है बेटा वाई की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो बिल्कुल हमारा क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया इन जीरो तो चेक कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ठीक है ना तो सी ऑप्शन हमारी क्या आ गई करेक्ट इज इट ओके अब अगर आप चाहो तो डी बी चेक कर सकते हो देखो एक बार डी बी देख लेते हैं देखो इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है तो वी आर गिवन इन डी ऑप्शन ऑब्जर्व करो कॉस ऑफ थ्री एक्स इज इट ओके तो डी ऑप्शन में जो फंक्शन है दैट इज कॉस ऑफ थ्री एक्स ये हो जाएगा तो इस केस में देखो डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू माइनस थ्री साइन थ्री एक्स ये हो जाएगा अब नोटिस करो आपका x बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर पाई बाय टू इज इट तो थ्री एक्स कहां लाई करेगा थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री एक्स लाई करेगा जीरो से लेकर थ्री पाए टू अब ये हो गए आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स तीन क्वाड्रेंट्स हो गए ना जीरो से थ्री पाए टू तो तीनों क्वाड्रेंट्स में साइन थ्री एक्स तो पॉजिटिव नहीं होता ना क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में हमारे पास साइन थ्री एक्स पॉजिटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा जबकि यहां पे जब आपका थ्री लाई कर रहा है पाई से लेकर थ्री पाई बाय टू तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा पॉजिटिव तो पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है इज इट ऑल राइट सो ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट इज इट ओके तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है सी कॉटेट सबके ग्राफ्स बना के भी आप चेक कर सकते थे या फिर ऑब्वियसली डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो ऑल राइट right? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आपको बताना है ये जो फंक्शन है इसके बारे में क्या कह सकते हैं ऑलवेज इंक्रीजेज ऑलवेज डिक्रीजेज नेवर इंक्रीजेज समटाइम्स इंक्रीजेज एंड समाइम्स डिक्रीजेज सो लेट्स डू इट तो लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन फंक्शन टू बी टेन एक्स माइनस एक्स ये हमारा फंक्शन है अब इसको करते हैं हम डिफ्रेंशिएट तभी बता पाएंगे इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है एफ डैश एक्स देखो कितना हो जाएगा टेन एक्स का डेरिवेटिव secant square एक्स और एक्स का डेरिवेटिव कितना वन अब अभी एक क्वेश्चन में हमने ये देखा था मैंने आपको बताया था कि जैसे जो सीकेंट एक्स होता है बेटा उसकी रेंज ये होती है या तो वो बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन या फिर वन या वन से बड़ा होता है इज इट तो अगर इसका मतलब हो गया या तो सीकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन या फिर सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन तो अगर हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा दिस एम्प्लाइज सी केंड स्क्र एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब देखो यही तो था हमारा एफ डैश एक्स सी स्क्वेयर एक्स माइनस वन तो हमें यह पता चल गया कि दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वी हैव एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जब फंक्ट डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जीरो या जीरो से बड़ा होता है तो इसका मतलब एफेक्ट्स इज इंक्रीजिंग इज ऑल राइट तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा डोमेन ऑल रियल नंबर्स है बेटा इस फंक्शन की डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर्स तो x बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर्स को एक्सक्लूडिंग कौन से पॉइंट्स जहां पे tan नॉट डिफाइंड है तो x की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है पर tan x की डोमेन क्या होती है r माइनस ऑर्ड मल्टीपल्स ऑफ पाए बाय टू क्योंकि ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाए बाय टू पे बेटा हमारे पास क्या होता है कॉस्ट जीरो होता है तो टेन नॉट डिफाइंड होता है तो अपनी डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया इज इट ऑल राइट तो इसका मतलब हम कहेंगे फंक्शन हमेशा इंक्रीज करने का मतलब अपनी डोमेन में इंक्रीज करता है तो कौन सी ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑल राइट सो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन इज इट ओके क्योंकि डेरिवेटिव हमारा आया था ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू अब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं इसमें आपको यह पूछ रहे हैं कि अगर x रियल है तो मिनिमम वैल्यू बतानी है एक्स स्क्स एट एक्स प्लस सेवनटीन की तो तो कि x इज रियल नंबर तो x रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और मान लेते हैं लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एट एक्स प्लस सेवनटीन ठीक है मिनिमम वैल्यू चाहिए अब अगेन यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स पहले तो हम इसको क्योंकि एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स विल डू इट बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो लेट अस ऑब्टेन डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया देखो टू एक्स माइनस एट तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए देखो इसकी मिनिमम वैल्यू तो उसके लिए मिनिमा कब होता है देखो जब हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है तो एक तो नोटिस करो वहाँ पे टेंजेंट विल बी पैरल टू एक्सेस तो अगर सी पॉइंट पे हमारा मिनिमा है तो एफ डैश सी होना चाहिए ज़ीरो और उसके अलावा सेकेंड डेरिवेटिव सी पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव इज इट ओके तो ये दो कंडीशंस होती हैं फॉर एनी पॉइंट सी टू बी द पॉइंट ऑफ मिनिम तो यहां पे चेक करते हैं अब सबसे पहले हम यहां पे डेरिवेटिव को पुट कर देते हैं इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लाइज यू विल गेट एक्स टू बी इक्वल टू फोर इज इट ओके अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो वो हमारा फोर पे पॉजिटिव आना चाहिए तो यहां से हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क् दिस विल बी इक्वल टू टू जो कि कॉन्स्टेंट है तो इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स तो पर्टिकुलरली फोर के लिए भी होगा इज इट ऑल राइट तो इसका मतलब ये हो गया वी कैन से देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर इज पॉइंट ऑफ मिनिमा इज इट ऑल राइट तो ये हमारा पॉइंट किसका आ गया मिनिमा का अब मिनिमम फंक्शन चाहिए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इट ऑल राइट तो वो कैसे निकलेगी जब आप इस फंक्शन में देखो पुट करोगे एक्स को कितना फोर तो इट विल बी इक्वल टू उ मच यहां पर देखो ये हो जाएगा फोर का स्क्वेयर माइनस एट इन टू फोर एंड प्लस सेवनटीन तो सॉल्व कर लेते हैं लेटस सी वॉट आर वी गेटिंग तो दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सेवनटीन ऑल राइट और माइनस कितना एट फोर ज थर्टी टू सो दिस इज इक्वल टू थर्टी थ्री माइनस थर्टी टू विच इज इक्वल टू वन तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट राइट right, फिर हम इसका सेकेंड मेथड भी एक देख लेंगे जो कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी आप बहुत ईजीली कर सकते हो तो मिनिमम वैल्यू वन आई है तो दैट मीन्स जो ऑप्शन करेक्ट है बेटा वो तो सी है अब देखो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस सेवनटीन तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एट एक्स और प्लस सेवनटीन तो अब हम इसको कर रहे हैं सेकेंड मेथड से विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेटा तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्र का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वी नो दैट पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स तो अपवर्ड पैराबोला हमें मिलता है और जो वर्टेक्स होता है वही होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए वियर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट इज इट ऑल राइट तो मिनिमम वाई हमारा ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन फोर ए तो यहां पे भी देखो एक स्क्वेर का क्वेश्चन पॉजिटिव है पैराबोला अपवर्ड ओपन करेगा तो हम यहां से निकाल लेते हैं अब मिनिमम वाई दिस विल बी माइनस डी अपॉन फोर ए इज इट ऑल राइट तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी तो इट विल बी एट जा सिक्सटी फोर माइनस सेवनटीन फोर जितना सिक्सटी एट और डिवाइडेड बाय कितना फोर इन वन दैट विल बी फोर तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच यहां पे देखो ये आ जाएगा फोर अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू वन तो मिनिमम वाई की वैल्यू वन हमें सेकेंड मेथड से भी मिल गई तो इसमें हमें डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी नाउ लेट लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन तो लुक एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थर्ड लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिमियल चाहिए इन इंटरवल जीरो टू नाइन अब देखो क्लोज्ड एन टर्वल आपको दिया हुआ है तो जब क्लोज इंटरवल दिया होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब आपको एप्सल्यूट मिनिमा पूछ रहे हैं इज इट ऑल राइट तो इसमें हमने निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड एप्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इट ऑल राइट ये तो एप्सल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की देखो हम कैसे निकालते हैं तो यूजली एप्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कब होती है जब आपके पास फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल ए बी आप क्या स्टेप्स होते हैं देखते हैं तो लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एटीन एक्स देन वी हैव प्लस नाइनटी सिक्स एक्स ये हो गया तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसमें निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और ये भी लिख लेते हैं कि x हमें दिया हुआ है कि बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर नाइन तक इज इट ऑल राइट तो सबसे पहली चीज जो निकालते हैं वो होती है क्रिटिकल पॉइंट्स अब देखो क्या होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे आपके पास डेरिवेटिव या तो जीरो हो या नॉट डिफाइंड सो दीज आर पॉइंट्स वेयर आइदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट डिफाइंड ठीक है ना या तो डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए तो यहां पे डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेट अस सी व्हाट इज एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू एक्स डेरिवेटिव क्या आ रहा है थर्टी सिक्स एक्स और प्लस नाइनटी सिक्स अब देखो ये पोलिनोम फंक्शन है नॉट डिफाइंड तो कहीं भी नहीं होगा आपको पता है एवरी पोलिनोम फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स तो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी आर ठीक है तो इसका मतलब हमें वो पॉइंट्स क्रिटिकल लेने हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो है तो एक काम करते हैं यहाँ पे पहले थ्री कॉमन ले लेते हैं सो वी हैव एक्स स्क्वेर माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस कितना थर्टी टू इज इट ऑल राइट इसको चाहो तो फैक्टराइज कर लो तो आफ्टर फैक्टराइजिंग वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स टू बी इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एट ये हमारा डेरिवेटिव आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश एक्स को क्या पुट करेंगे जीरो तो डेरिवेटिव जीरो है तो या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या दूसरा तो दिस एम्प्लाइज वी गेट आइदर x विल बी इक्वल टू फोर या फिर x की वैल्यू होगी एट अब आप नोटिस करो आपको इंटरवल दिया था जीरो टू नाइन तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हमारे गिवन इंटरवल में होने चाहिए तो हम यहां पर लिखते हैं जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से x इज इक्वल टू फोर और एट दोनों ही बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल जीरो से नाइन को अब हम एप्सल्यूट मिनिमा या एप्सल्यूट मैक्सिमा निकालते कैसे हैं हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक तो गिवन इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे मतलब जीरो पे नाइन पे और एक क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो इन सब पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे इनमें से जहां पे फंक्शन की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी वो हो जाएगी एप्सल्यूट मिनिमम वैल्यू और कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्सल्यूट मिनिमम इज इट ओके आप देखो एक बारी हम फंक्शन लिख लेते हैं दोबारा यहां पर वी आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑल राइट फिर माइनस एटीन एक्स स्क्स नाइनटी सिक्स एक्स तो लेटर्स ऑफ टेन नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एट एंड सबसे पहले हम लेते हैं मान लो जीरो पॉइंट ले लो पहले तो लेटर्स फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो अब देखो हर टर्म जीरो हो जाएगी तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी जीरो अगला लो जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे फोर ले लो क्रिटिकल पॉइंट फोर पे फंक्शन की वैल्यू विल बी फोर का क्यूब ठीक है माइनस एटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर का स्क्वेयर एंड देन वी विल हैव प्लस नाइनटी सिक्स और मल्टीप्लाइड बाय फोर इज इट ओके दिस यू कैन सॉल्व इजीली ये जब आप सॉल्व करोगे बेटा आपको मिलेगा हंड्रेड एंड कैलकुलेशन पार्ट इतना ऑफ कोर्स यू कैन डू इजीली राइट अब हम लेते हैं फंक्शन की वैल्यू अगले क्रिटिकल पॉइंट एट पे तो यहां फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू पुट करते हैं वी गेट एट का क्यूब माइनस एटीन इंटू एट का स्क्र और प्लस यहां पे नाइनटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एट इज इट ऑल राइट ये हो जाएगा अगेन यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हंड्रेड एंड ट्वेंटी फिर एंड पॉइंट ले लो नाइन तो फंक्शन की वैल्यू नाइन पे विल बी नाइन क्यूब माइनस एटीन इंटू नाइन का स्क्वेयर इज इट ओके एंड देन प्लस 96 सिक्स मल्टीप्लाइड बाय नाइन तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारी आएगी वन थर्टी फाइव तो ये देखो हमने एक तो एंड पॉइंट्स पे जीरो पे और नाइन पे निकाल ली फंक्शन की वैल्यू और एक क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाली अब हमें चाहिए एप्सल्यूट मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं जीरो वन सिक्सटी और वन इनमें से मिनिमम वैल्यू हमारी जीरो है तो ये हो गई हमारी एप्सल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इट ऑल राइट और कहाँ पे है जब एक्स जीरो है तो बस यही निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि हमारी कितनी आई है जीरो तो ये रहा क्वेश्चन तो जीरो किस में दिया है बी ऑप्शन में तो दैट मींस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट राइट तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और एंड पॉइंट्स तो पता ही होंगे जब भी आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो उन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के जिस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू राइट लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर यहां पे 54 व्हाट्स गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर आपको बताना है कि इसके कितने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो देखो अब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कब होता है एक बार ही रिकॉल करते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो x इक्वल टू सी जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ठीक है अगर हम वो कहें पॉइंट है किसका लोकल मिनिमा का तो वो कब होता है बेटा एक तो उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए जीरो और उस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव एट सी शुड बी पॉजिटिव इज इट ऑल राइट तब वो पॉइंट हो जाता है लोकल मिनिमा का और एक्स इक्वल टू सी हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ये देखो कब होता है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट अगर उस पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है जीरो और सेकेंड डेरिवेटिव उस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव इट ओके तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो वी आर गिवन फंक्शन टू बी टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस फोर दिस इज द गिवन फंक्शन तो क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा जीरो होता है तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और जीरो पुट करेंगे तो लेट मी फाइंड एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स देखो डिफ्रेंशिएट कर लो सिंपल फंक्शन है पॉलिनॉमियल तो वी हैव सिक्स एक्स स्क्र देन वी हैव माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व ये हो गया तो वी कैन टेक सिक्स कॉमन तो सिक्स कॉमन लेके वी आर गेटिंग एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू तो okay? so, इसको फैक्ट्राइज भी कर लेते हैं तो so, स्प्लिट करो मिडिल टर्म को माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इट ऑल राइट सो यू कैन सी इन द फर्स्ट टू टर्म्स वी है सो वी गेट सिक्स टाइम्स फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस टू सो दिस कब जीरो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज जीरो आइदर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन या फिर एक्स की वैल्यू कितनी टू हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए हैं अब हमें चेक करना है कि यहां पे किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव हम यहां से निकाल लेते हैं इट विल बी ईजियर ठीक है तो उसमें इसमें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा उसमें डायरेक्टली हो जाएगा तो लुक हेयर मी राइट दिस डेरिवेटिव हेयर एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं सो वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस टू तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया सिक्स टाइम्स टू एक्स माइनस वन इज इट ऑल राइट दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव अब हमें इन पॉइंट्स पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले निकालते हैं f डबल डैश माइनस वन तो x की जगह पुट करोगे माइनस वन तो इट विल बी सिक्स इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस एटीन जो कि है नेगेटिव अब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो किसका पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा का तो वी विल से देर फोर एक्स इज इक्वल टू यहां पर माइनस वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ठीक है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये पॉइंट हो गया ऑफ लोकल मैक्सिमा अब लो सेकेंड पॉइंट दैट इज टू तो f डबल डैश अब हम निकालने वाले हैं टू तो यहां पे पुट करो इस जगह पे बेटा ठीक है ना इसमें पुट करना है एक्स को अगर आप टू ले रहे हो तो इट विल बी टू टूज ऑफ फोर माइनस वन थ्री विच इज एटीन जो कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू टू पे जीरो था और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो वी विल से देर फोर एक्स इज इक्वल टू टू इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इज इट ओके तो ये है हमारा पॉइंट किसका लोकल मिनिमा का ये हो जाएगा तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है एक मैक्सिमा का पॉइंट और एक मिनिमा का पॉइंट राइट right? क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे जीरो था किन किन पे माइनस वन और टू पे तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब हम कौन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगी तो यहां पे देखो वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा दैट मीनस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट इट ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं राइट right? तो नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्या दिया है इसमें आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू किसकी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बेटा तो लेट अस डू तो फंक्शन एफ एक्स दिया है साइनेक्स इन टू कॉस एक्स एक काम करते हैं इसको सिंगल टर्म बना ले तो इजी हो जाएगा ना तो आप क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो दिस कैन बी रिटर्न एज देखो क्या लिख सकते हैं इसको टू से डिवाइड करो और टू से मल्टीप्लाई तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया टू साइन एक्स फॉस एक्स क्या होता है बेटा साइन टू एक्स तो वी आर गेटिंग फंक्शन एक तरह से है वन अपॉन टू साइन ऑफ टू एक्स अब देखो अगेन आई विल टेल यू टू मेथड्स हमें निकालनी है इसकी कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ओके तो मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट ए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अब अगेन क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पहले मैं आपको डेरिवेटिव यूज करके बताऊंगी कि कैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कोई भी पॉइंट अगर लोकल मैक्सिमा का होता है तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव तो लेट अस ऑप्टेन द फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिफ्रेंशिएट करते हैं लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स सो वी आर गेटिंग वन अपॉन टू साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू इज इट ऑल राइट तो टू से टू कैंसल होके एफ डैश एक्स इज कमिंग आउट टू बी कॉस ऑफ टू एक्स तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट कर देते हैं जीरो क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है दैट मीन्स वी आर गेटिंग कॉस टू एक्स हमारा हो गया जीरो अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं मान लो एक पॉइंट जैसे पाई बाय टू है ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स हो गया हमारा पाई बाय फोर इज इट ऑल राइट ये है तो अदरवाइज तो एट एवरी ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू कॉस्ट क्या होता है जीरो तो एक मैंने पॉइंट जैसे एक्स पाई बाय फोर लिया है तो इस पर चेक करते हैं अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहां से लेटेस्ट डिफ्रेंशिएट अगेन तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स इज इट ओके तो अब निकालो सेकेंड डेरिवेटिव किस पे पाए बाय फोर पे तो लेटर्स ऑफ टेन एफ डैश पाए बाय फोर सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस टू साइन पाए बाय टू इज इन ये हो जाएगा साइन पाए बाय टू वन होता है तो दिस इज माइनस टू विच इज नेगेटिव तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाए बाय फोर इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ठीक है ना तो ये हमारा पॉइंट हो गया बेटा किसका लोकल मैक्सिमा का ये देखो लोकल मैक्सिमा दिस इज द पॉइंट तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे फंक्शन में पुट कर दो अब देखो फंक्शन हमने क्या कहा था ये था ओरिजिनल भी ले सकते हो साइनेक्स इंटू कॉस एक्स राइट तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी एफ ऑफ पाए बाय फोर दैट विल बी इक्वल टू साइन पाए बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय पाए बाय फोर तो इट विल बीवल टू हाउ मच वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन रूट टू तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी वन बाय टू इज इट ओके या फिर देखो ऑल्टरनेट मैथड डायरेक्टली बिल्कुल कर सकते थे ऑल्टरनेट मैथड हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखते हैं वी हैड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ओनली साइन एक्स इन टू कॉस एक्स जिसको हमने कहा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकते हैं वन बाय टू साइन टू एक्स अब देखो ट्रिग्नोमेट्री हम सबने करी होती है तो हमें पता है कि इसकी रेंज साइन फंक्शन की क्या होती है माइनस वन टू वन तो साइन टू एक्स हमेशा माइनस वन टू वन के बीच में लाई करेगा और डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है अब वन बाय टू चाहिए तो इस इन को लेटे मल्टीप्लाई बाय हाफ ओके? तो हाफ से इस इन को करते हैं हम मल्टीप्लाई सो वी आर गेटिंग माइनस वन बाई टू से लेकर right? लाई कर रहा है वन अपॉइंट टू साइन टू एक्स कहां तक हाफ तक तो यही तो हमारा फंक्शन था तो आप नोटिस करो ये हो गई इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी दैट इज वन बाई टू तो ऑफकोर्स सेम आंसर हमारा आ रहा है ठीक है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं स्पेशली इफ द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप राइट वी डोंट नीड टू गो इन टू डेरेवेटिव तो उससे क्वेश्चन लेंदे हो जाता है बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू इन केस यू गेट इट एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है वन बाय टू विच इज बी ऑप्शन तो यहां पर क्वेश्चन में बी ऑप्शन विल बी करें ज इट ओके तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अगले पे चलते हैं लेटे सी नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स आपको बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई स क्या देता है मैक्सिम वैल्यू मिनिमम जीरो या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम तो चेक करते लेटमी राइट द फंक्शन वी हैव एफ एक्स इज टू साइन थ्री एक्स और प्लस थ्री कॉस थ्री एक्स अब मैक्सिमा या मिनिमा होता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा पॉइंट अगर मैक्सिमा का है तो उस पॉइंट पे सेकेंड बी नेगेटिव एंड इफ द पॉइंट इज ऑफ मिनिमा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करना है निकाल के तो लेटस फाइंड हेयर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा टू इंटू साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री कॉस थ्री एक्स राइट चेन रूल से फिर इसका डेरेवेटिव लो थ्री कॉस थ्री एक्स का तो इट विल बी माइनस थ्री साइन थ्री एक्स राइट तो हमारे पास डेरेवेटिव एक्स इज सिक्स ऑफ कॉस थ्री एक्स और माइनस नाइन साइन थ्री एक्स इज इट ऑल राइट ये अब देखो हमारा फर्स्ट डेरीवेटिव क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इज इट ऑल राइट तो अगर आपको जैसे पॉइंट ये पूछा था ना कि पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में ये देखो फाइव पाई बाय सिक्स पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन तो जैसे हमने कहा कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए तो हम चेक करते हैं कि पाई बाय सिक्स पे क्या ये डेरिवेटिव जीरो आ रहा है फाइव पाई बाय सिक्स पे तो पुट एक्स इक्वल टू फाइव बाय सिक्स ये देखो क्या आ गया एफ डैश फाइव पाई बाय सिक्स तो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स इंटू कॉस थ्री से मल्टीप्लाई करो फाइव पाई बाय टू एंड माइनस नाइन साइन थ्री से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग फाइव पाई बाय टू अब आप नोटिस करो यहां पे सिक्स इंटू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस होता है जीरो माइनस नाइन साइन ऑफ फाइव पाई बाय टू ये आप कैसे निकाल सकते हो टू पाई प्लस बाय टू साइन पाई बाय टू विच इज वन तो यहां पे आप नोटिस करो ये वैल्यू तो जीरो आई ही नहीं आप देख रहे हो फाइव पाई बाय सिक्स पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यहां पे क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है बेटा बार बार रिपीट होगा तो ऐसा तो है नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं कोई क्लोज इंटरवल दिया है तो ऑब्वियसली हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं यहां पे तो इस पॉइंट पे तो डेरिवेटिव जीरो ही नहीं है तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे देर फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स इस पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा ठीक है तो इट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा क्योंकि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हमारा नहीं है बेटा इज इट ओके तो ना तो ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा और ना ही किसका होगा मिनिमा का तो ऑप्शन देखो हमारे पास क्या आ गई बेटा वी हैव करेक्ट ऑप्शन एज इज इट ओके तो डी ऑप्शन में दिया है ना इधर मैक्सिम नॉर मिनिमा तो डी ऑप्शन इसमें आएगी करेक्ट राइट right? तो ये था क्वेश्चन नंबर नंबर अगले पे चलते हैं नाउ लुक एट क्वेश्चन सेवन इसमें आपको देखो क्या पूछ रहे हैं हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए हम मैक्सिमम पढ़ते हैं हम कहते हैं ठीक है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली आपको क्या पूछ रहे हैं ध्यान दो मैक्सिमम स्लोप पूछ रहे हैं ऑफ द कर्व तो इस कर्व की मैक्सिमम स्लोप स्लोप कैसे निकलती है डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट तो इसका मतलब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स की क्या होगी इज इट ऑल राइट सो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम डी वाई बाय डी एक्स ये हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमें स्लोप देता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ न कि वाई की सो बी वेरी केयरफुल अब देखो फंक्शन लिखते हैं यहां पे वी हैव वाई फंक्शन इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्स इट ऑल राइट और प्लस नाइन एक्स देन माइनस ट्वेंटी सेवन तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल लेते हैं डी वाई बाय डी एक्सुखिये तो डी वाई बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो विद रिगार्ड टू एक्स इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स और प्लस नाइन अब देखो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो एक काम करते हैं इसको हम कोई फंक्शन मान लो जी एक्स मान लेते हैं तो लेट मे अज्यूम लेट फंक्शन जी एक्स बी इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे अब अगेन वी कैन डू दिस फर्दर बाय टू मेथड्स। पहला मेथड देखो यहां पे फर्स्ट मेथड। कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारा डेरिवेटिव। बिकॉज वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स तो इस डेरिवेटिव को क्या पुट करना होता है जीरो वी गेट माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आ गई बार ही okay? x वन आ गया अब यहां से निकालो आप सेकेंड डेरिवेटिव. तो g डबल डैश x देखो वो है माइनस सिक्स तो पर्टिकुलरली वन पे भी सेकेंड डेरिवेटिव माइनस सिक्स होगा जो कि नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरीवेटिव अगर जीरो है हमारा किसी पॉइंट पे और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम तो दिस एम्प्लाइज जी इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ये देखो जी इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू वन तो हम मैक्सिमम जी निकाल लेते हैं ये देखो फंक्शन में पुट करो सो देर फोर वी गेट मैक्सिमम जी इज इट ऑल राइट तो मैक्सिमम जी जो है हमारा दैट विल बी इक्वल टू इसमें पुट करेंगे ये फंक्शन था हमारा जो कि डेरिवेटिव था देखो तो वो है माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस सिक्स इंटू वन और प्लस कितना नाइन तो ये वैल्यू सॉल्व करके आप ऑब्जर्व करो कितनी आ गई दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्वेल्व तो इसका मतलब हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज मैक्सिमम स्लोप ऑफ वाई विल बी इक्वल टू ट्वेल्व इज इट ओके ये हो जाएगी तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन ट्रू है मैक्सिमम स्लोप आपको पूछी थी कर्व की तो वो हमारी ट्वेल्व आई है विच इज बी ऑप्शन तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गई अब देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता था यहां पे देखो जैसे हमने जी एक्स ये लिया है तो मैं इसको दोबारा लेती हूं माइनस थ्री एक्स स्क्स एक्स प्लस नाइन इज इट ऑल राइट तो माइनस थ्री एक्स स्क् प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन ये है हमारा g ऑफ x और इसकी आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू अब आप क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो कि अगर आपके पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयेर प्लस बी एक्स प्लस सी और a नेगेटिव हो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन करता है तो उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है वो वर्टेक्स पे मिलती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए तो माइन डी इज द डिस्क्रिमिनेंट तो ये देगी आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइव तो इसमें आप नोटिस करो एक्सक्र का कोफेशन माइनस थ्री है जो कि नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन करेगा तो यहां पे हम निकालते हैं हमारा मैक्सिमम जी ऑल राइट तो मैक्सिमम जी की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे माइनस डी अपॉन फोर ए नाउ लेटेस्ट पुट द वैल्यूज सो दिस विल बी इक्वल टू डी ओ जाएगा देखो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी तो सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स माइनस फोर ए सी मतलब प्लस ट्वेल्व नाइन ज हंड्रेड एंड एट और डिनोमिनेटर विल बी फोर टाइम्स ए विच इज इक्वल टू हाउ मच माइनस ट्वेल्व तो माइनस वन फोर्टी फोर बाय माइनस ट्वेल्व विल गिव यू ट्वेल्व तो फर्स्ट मेथड से भी वी हैड ऑप्टेन द सेम वैल्यू ट्वेल्व सेकेंड मेथड से भी सेम आ रहा है ऑल राइट तो चाहो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज कर लो और वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स बेटा तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 12 दैट इज द मैक्सिमम स्लोप तो मतलब dy by dx की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है y की नहीं ऑल राइट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन इज fx is equal to x raised power x has a stationary point अब देखो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है जहां पे स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्सेस हो जाती है ये देखो जैसे आपके पास ऐसे है या इस तरह से है तो ये वाले पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्सेस हो गई तो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव जीरो होता है राइट सो एट स्टेशनरी पॉइंट या पॉइंट डी वाई डी एक्स ज इक्वल टू जीरो बताना है तो लेटमी फंक्शन फंक्शन गिवन टू अस इज एक्स पर एक्स तो डेरीवेटिव अगर जीरो है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले डेरीवेटिव तो उसके लिए ना यहां पर आप देखो पावर भी एक वेरिएबल है पावर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट तो एक्स रेस पर एन का डेरेवेटिव एन इन टू एक्स की पावर एन माइनस वन दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज तो कैसे करते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो पहले यहां पे तो वी हैव वाई इक्वल टू एक्स रेस पर एक्स राइट फिर क्या करना है यहां पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स तभी पावर जो है वो आगे आएगी बेटा मल्टीप्लाई होगी तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स सो इफ वी टेक लॉग वी आर गेटिंग

वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स और राइट right साइड पे देखो प्रोडक्ट फूल अप्लाई करोगे एक्स का डेरिवेटिव डेरेवेटिव लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वन अपॉन एक्स तो ये एक्स हमारा कैंसल हो जाएगा तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू अब देखो डी वाई डी एक्स आ गया y को राइट right साइड पे लेके जाएंगे एंड वॉट वॉज वॉय एक्स रेस पर एक्स यही था ना तो इसको पुट कर दो तो इट इज एक्स रेस पर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी हैव वन प्लस लॉक एक्स इज इट ऑल राइट सो दिस इज द डेरिवेटिव अब देखो आपको पता है आपको पूछा गया है कि स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें डेरिवेटिव को क्या पुट करना है जीरो सो so यहां पे लिखते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट वी पुट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो तो इसको पुट कर देते हैं जीरो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x रेस पर x ऑल राइट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस लॉग एक्स विल बीक्वल टू जीरो अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है तो दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इज इट ऑल राइट तो प्रोडक्ट जीरो कब बनेगा व्हेन द सेकेंड फैक्टर इज जीरो दूसरा फैक्टर है वन प्लस लॉग एक्स तो वी हैव वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो यहां पे जो हमने लॉग लिया है बेटा वो बेस ई है डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करो तो स्टेशनरी पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन और यू कैन से इट इज इक्वल टू वन अपॉन ई राइट तो e इनवर्स लिखें या वन अपॉन ई बात एक ही है तो दिस इज कमिंग आउट टू बी द स्टेशनरी लेटस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑल राइट तो स्टेशनरी पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन में है ई इन वर्स और वी कैन से वन अप ई सो यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन तो यहाँ पे हमारी बी ऑप्शन करेक्ट है राइट तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है वन अपॉन एक्स रेस पर पारेक्स की अगेन एक्सपोनशियल फंक्शन है एंड पावर इज आल्सो अ वेरिएबल अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू जीरो जिन पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है सेकेंड डेरीवेटिव उस पॉइंट पे होना चाहिए नेगेटिव देन इट विल बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और फंक्शन में वो पॉइंट पुट करेंगे तो हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू तो करते हैं लेट मी राइट हेयर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर एक्स तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्योंकि पावर में बेटा वेरिएबल है लॉग्रेमिक डिफ्रेंशिएशन लेनी होगी तो लेटेस्ट रिप्लेस एफ एक्स बाय और फिर उसके बाद हम लेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स तो लेटेस्ट राइट टेक लॉग ऑन बोथ साइड इट ओके तो दोनों तरफ हमने ले लिया यहां पर लॉक नाउ वी आर गेटिंग लॉग वाई टू बी इक्वल टू लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर एक्स अब लॉस ऑफ लॉ का थोड़ा अप्लाई करो कौन सा लॉ यही वाला कि लॉग एम रेस पर एन इज इक्वल टू किसके एन इन टू लॉग ऑफ एम सो दिस लॉ कैन बी अप्लाइड तो दैट मीन्स वी कैन राइट लॉग वाईक्वल टू एक्स इन टू लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स अब देखो यहाँ भी एक लॉ अप्लाई हो सकता है वन अपॉन एक्स में कौन सा वी नो दिस भी तो होता है ना कि लॉग ऑफ एम अपॉन एन दिस इज इक्वल टू लॉग एम और माइनस लॉग एन ये वाला लॉ अप्लाई कर दो और हमें ये भी पता है कि लॉग वन इज इक्वल टू जीरो तो ये तीनों रिजल्ट्स हमारे एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं इज इट इट तो जब हम कैलकुलस करते हैं बेटा या अदरवाइज भी और भी चैप्टर्स में आपको लॉग के जितने भी लॉज हैं उसकी डेफिनेशन है वो सब क्लियर होनी चाहिए ठीक है इवन इसका ग्राफ भी तो यहां तो खैर हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लेट मी अप्लाई दिस लॉ तो आई कैन राइट हेयर लॉग वाई टू बी इक्वल टू x इन टू वी विल हैव लॉग वन माइनस लॉग x इज इट ओके अब लॉग वन जीरो होता है तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज कि लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन सो लेट इसशियट नाउ विद रिगार्ड टू एक्स तो लेफ्ट साइड पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा तो वी विल हैव डेरिवेटिव वन अपॉन y इन टू वाई का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी राइट साइड पे माइनस बाहर ही रखो अंदर आप अप्लाई कर दो प्रोडक्ट रूल एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स दैट मीन्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा और वाई था क्या वन अपॉन एक्स रेस पर एक्स फिर हमारे पास बाहर माइनस है मल्टीप्लाइड बाय वी हैव लॉग एक्स प्लस वन तो दिस इज द डेरिवेटिव अब देखो अगर ये डेरिवेटिव आया है तो आपने इसको क्या करना है पहले जीरो पुट करना है बेटा तो लेट पुट इट इक्वल टू जीरो मैक्सिमा मिनिमा के लिए वी हैव टू पुट इट इक्वल टू जीरो तो यहां पे लो कब हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा जीरो अब देखो ये वाला पार्ट अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो डेरिवेटिव जीरो तब बनेगा जब आपके पास बेटा लॉग एक्स प्लस वन हमारा कितना आएगा जीरो तो दिस एम्प्लाइज लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे हम लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो तो एक्स निकाल लो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बेस कितनी है हमारी ई तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग एक्स टू बी इक्वल टू ई इनवर्स ऑल राइट या फिर कह सकते हो वन अपॉन ई बेटा ये पॉइंट आ गया अभी देखो ये चेक करना बाकी है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का अब देखो वो कैसे करेंगे आप नोटिस करो जैसे हमारे पास डेरिवेटिव ये आया है लेट मी राइट द डेरिवेटिव अगेन वी हैव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स रेस राइट तो दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स रेस मल्टीप्लाइड बाय लेट सी इन टू वी हैव लॉग एक्स प्लस वन अब पता है इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा लेंदी हो जाएगा इजेंट इट तो जब आपको लगे कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना लेंदी है तो आप क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हो तो हम इसमें पता लगाएंगे कि ये जो वन बाई ई निकाला है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं जैसे आपके पास ये है x इज इक्वल टू वन बाई ई इजेंट एड वी हैव दिस तो उसके लिए आप क्या करोगे पहले x की वैल्यू लोगे क्लोज टू वन बाई ई बट लेस देन दैट तो अगर x लेस देन है वन अपॉन ई के तो इसका मतलब ये हो गया log x टू द बेस e विल बी लेस देन log वन बाई ई का मतलब e इनवर्स टू द बेस e ई इजेंटेड तो यहां से हमें एक तरह से मिल गया कि log x टू द बेस e विल बी लेस देन कितना माइनस वन बेटा तो लेट मी राइट हेयर तो log x टू द बेस e विल बी लेस देन माइनस वन तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग दैट वन प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई इज नेगेटिव आप देख रहे हो ये हमारा नेगेटिव आ गया नाउ नोटिस वन थिंग अब डेरिवेटिव का साइन देखो अगर x हमारा लेस देन बाई नोटिस करो ये डेरिवेटिव था इज इन दिस प्लस लॉग एक्स हमारा नेगेटिव है ये जैसे मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव है और एक माइनस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है बेटा इज इट ऑल राइट तो this is greater than zero. तो यहां पे हम हम ये ले लेते हैं। अब देखो जब x को हम by e से बड़ा लेंगे बेटा, साइन ऑफ एन रिवर्स हो गया तो dy बाई डी एक्स में भी साइन ऑफ इन रिवर्स हो जाएगा तो पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा था नाउ वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स टू बी नेगेटिव इज इट ऑल राइट अब देखो वॉट डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं आप नोटिस करो यहाँ पे जब हमारा डेरीवेटिव x लेस देन वन बाई ई था तो डेरिवेटिव पॉजिटिव था मतलब कर्व इज इंक्रीजिंग इज इंट इट जब इंक्रीजिंग कर्व होती है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और जब x वन बाई ई से बड़ा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है फिर कर्व डिक्रीज कर रही है और एग्जैक्टली वन बाई ई पे हमारा डेरिवेटिव जीरो था तो इसका मतलब ये हो गया देखो कि वन e से पहले कर्व इंक्रीज करती है फिर वन e के बाद कर्व डिक्रीज करती है एट वन e हमारे पास डेरिवेटिव क्या है Zero. इसका मतलब ये हो गया कि 1 by e किसका पॉइंट हो गया मैक्सिमा का आप देख सकते हो कि उसके नियर बाय नेबरहुड में कर्व हमारी वन e से वैल्यू मतलब कि फंक्शन जो है वो बाकी पॉइंट्स पे वैल्यू कम ले रहा है तो यहां पे हम कहेंगे देरफोर वी कैन से दैट एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे बेटा एट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ई अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू अब देखो फंक्शन क्या था वी हैड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर एक्स इजेंट इट दिस वॉज द फंक्शन तो एक्स के बदले में वन बाई ई पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन ई विल बी ई और पावर एक्स मतलब वन अपॉन ई तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो लेटेस्ट चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट ई की पावर वन बाई ई इज द राइट आंसर ऑल राइट तो यहां पर हम चेक करते हैं दिस इज द क्वेश्चन सो यू कैन सी ई की पावर वन बाई ई इज सी ऑप्शन तो यहां पे हमारी सी ऑप्शन करेक्ट इज इट ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं लोकेट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अब देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे हैं फिल इन द ब्लैंक्स तो पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का ये है वी आर गिवन टू कर्व्स और आपको बताना है ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को करती आप टच करती हैं अब देखो दो कर्व्स टच कब करती हैं जैसे मान लो ये हमारे पास पहली कर्व हो गई एंड सपोज वी हैव दिस एज द सेकेंड कर्व टच करने का मतलब है कि अगर आपके पास उनका पॉइंट जहां पे वो टच करती हैं एक्स वन वाई वन है तो वहां पे उनकी क्या होगी कॉमन टेंजेंट। तो टू कर्व्स विल हैव कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट पी तो टेंजेंट निकालते कैसे हैं डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट तो लेते हैं पहले फर्स्ट कर्व लो जैसे लेटेस्ट द फर्स्ट कर्व ओवर हेयर तो पहली कर्व हमारी ये है y is equal to 4x square plus 2x minus 8. तो स्लोप ऑफ tangent निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द derivative. तो so differentiate करो विद रिगार्ड टू x. तो so dy वाई बाई डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी एट 2. आप देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम m1 से डिनोट कर रहे हैं तो so m1 हो जाएगा आपका डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 वन वाई वन तो वो हो गया हमारा एट एक्स वन प्लस टू तो दिस इज द डेरिवेटिव एट एक्स वन वाई वन टू द फर्स्ट कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व अब हम लेते हैं सेकेंड कर्व की इक्वेशन इज इट ऑल राइट नाउ वी आर गिवन सेकेंड कर्व इज वाई इज इक्वल टू कितना ये देखो ऑब्जर्व करो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थर्टीन तो लेटेस्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थर्टीन

अब पहली टेंजेंट की स्लोप हमारे पास हो गई बेटा m1 और दूसरी टेंजेंट की स्लोप m2 तो वी विल हैव m1 वन इक्वल टू एम अगर हमारी टेंजेंट क्या है कॉमन है सेम टेंजेंट है तो ऑब्वियसली स्लोप भी सेम होगी तो यहां पे इक्वेट कर दो m1 वन इक्वल टू एम है वी हैव m1 वन इज इक्वल टू एम तो m1 वन इज एट एक्स वन और m2 है थ्री एक्स वन स्क्वेयर माइनस वन लेटे इक्वेट द टू वी गेट एट एक्स वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स वन स्क्वेयर माइनस वन अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं तो दिस विल गिव यू अकोडेटिक इक्वेशन थ्री एक्स वन स्क्वेयर माइनस एट एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो स्प्लिट द मिडल टर्म सोल्व करने के लिए तो वी हैव थ्री एक्स वन स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस थ्री हो गया जीरो पहली दो टर्म्स में ऑब्जर्व करो थ्री एक्स वन कॉमन है एक्स वन माइनस थ्री प्लस वन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो वी आर गेटिंग टू फैक्टर्स एज थ्री एक्स वन प्लस वन इन टू एक्स वन माइनस थ्री इज जीरो अब आप नोटिस करो कि x1 की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास एक है थ्री और दूसरी है माइनस वन अपॉन थ्री इज इट ओके ये अब जो पॉइंट था देखो दोनों कर्व्स के ऊपर लाई कर रहा था ना हमने दो कर्व्स ऐसे बनाई थी इफ यू कैन रिकॉल और ये हमारी कॉमन टेंजेंट थी इज इट ऑल राइट और हमने कहा था कर्व्स टच करती हैं एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन तो पॉइंट पी दोनों कर्व्स के ऊपर लाई करेगा तो यही पॉइंट आपने निकालना है अब देखो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये थी ये जो पहली कर्व है इट्स इक्वेशन वॉज फोर एक्स प्लस टू एक्स और माइनस एट इज इट ऑल राइट दिस वॉज द इक्वेशन और सेकेंड कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस कितना थर्टीन तो अब देखो अब हम इसको लेते हैं पॉइंट निकालते हैं पहले फर्स्ट कर्व लेते हैं उसमें पॉइंट पुट करते हैं तो लेटर्स ऑफ वाई वन Is इट ऑल राइट एक्स वन वाई वन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो इसकी इक्वेशन को satisfy करेगा। तो वाई वन x1 को लेते हैं थ्री तो y1 देखो अगर x1 3 है तो वॉट इज y1 वन नाउ वाई वन इज कमिंग आउट टू बी थ्री थ्री जन नाइन फोर जटी सिक्स प्लस सिक्स माइनस एट तो y1 वन इज कमिंग आउट टू बी थर्टी फोर तो इस केस में जो पॉइंट पी आया है दैट इज थ्री कॉम थर्टी फोर अब देखो सेम पॉइंट आना चाहिए अगर आप दूसरी कर्व में पुट कर रहे हो तो यहां पे इस कर्व को भी हमारा ये पॉइंट पी एक्स वन वाई वन क्या करेगा सेटिस्फाई। तो वी विल हैव वाई वन इक्वल टू एक्स वन क्यूब माइनस एक्स वन प्लस थर्टीन तो पुट एक्स वन इज इक्वल टू थ्री इसमें भी पुट कर दो तो वी विल गेट वाई वन टू बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री प्लस थर्टीन अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है ये हमारा कितना आ गया थर्टी सेवन आ गया तो सेम पॉइंट नहीं आया बेटा ठीक है ये ना एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है बेटा एनसीईआरटी एग्जैम्पलर में क्योंकि आपको वो जो पॉइंट दे रहे हैं आंसर में वो ये वाला दे रहे हैं थ्री कॉमा थर्टी फोर पर जब x1 3 है तो इसके लिए पॉइंट आ रहा है 3.37 तो सेम पॉइंट नहीं आ रहा जबकि ये पॉइंट सेम होना चाहिए यहां पे तो इसका मतलब हमारा x1 वन इक्वल टू थ्री लेके सेम पॉइंट नहीं आ रहा अगर हम इसमें कर्व में कुछ मेनिपुलेशन कर दें जैसे इसको अगर 37 बनाना है तो इसको इंक्रीज कर दो या 13 को डिक्रीज कर दो 10 बना दो अगर जैसे आपकी कर्व ये हो जाती बेटा इंस्टेड ऑफ थर्टीन अगर हम कर्व ये ले लेते कि y इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टेन तो डेरिवेटिव तो सेम ही रहता ना पर आपके पास पॉइंट ही आ जाता फिर थ्री कॉमा थर्टी फोर तब ये आंसर हमारा करेक्ट होता इज इट ऑल राइट जो उन्होंने दिया हुआ है तो यहां पे हमारे पास जस्ट अ मोमेंट अब आपको ये दिख रहा होगा तो या तो कर्व की इक्वेशन हम चेंज करें थर्टीन से टेन ले लें तब हमारा ये आंसर करेक्ट होगा अदरवाइज नहीं है अब आप कहोगे व्हाट अबाउट दी अदर पॉइंट तो अदर पॉइंट लेते हैं देखो दूसरा पॉइंट है एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज इट तो अगर आप ये पुट करोगे पहली कर्व की इक्वेशन में तो वाई वन ऑन सॉल्विंग ठीक है दिस विल गिव यू माइनस सेवेंटी फोर बाय नाइन यह आ जाएगा बेटा और दूसरी कर्व में जब आप एक्स वन को लेते हो माइनस वन थ्री तो यहां पे वाई वन अगेन सेम नहीं आ रहा इट विल कम आउट टू बी थ्री फिफ्टी नाइन अपॉन टी इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री लेके भी है तो ये वाला केस चलो, हो भी गया ठीक है जो आंसर दे रहे हैं थ्री कॉमा थर्टी फोर दैट इज रॉन्ग क्योंकि अगर कर्व की इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थर्टीन है तो वो दूसरी कर्व को पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता अगर आप थर्टीन को रिप्लेस कर दो टेन से ये कर्व आपकी बन जाए तब हमारा ये जो है पॉइंट इसको क्या करता है सेटिस्फाई इज इट ओके तो थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसका मतलब अगर आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चाहिए तो हमारे पास अगर हमें आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया है थ्री कॉमा थर्टी फोर तो यहाँ पे थर्टीन की जगह हमारे पास होना चाहिए प्लस टेन इज इट ओके तो ये करेक्शन उसमें होनी चाहिए इज इट ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ट नाउ क्वेश्चन इट इज फिल इन द ब्लैंस क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट जीरो निकालनी है तो ये देखो जैसे आपके पास कोई भी कर्व है और उसके ऊपर आपके पास ये पॉइंट है मान लो जीरो तो ये तो जैसे हमारे पास हो गई टेंजेंट तो नॉर्मल यू नो इजेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होगी तो so, अगर टेंशन की स्लोप होती है डेरीवेटिव एट दैट पॉइंट तो लाइन परपेंडिकुलर की स्लोप होती है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी नेगेटिव रेसीप्रोकल ऑफ डेरीवेटिव तो कर्व लिखते हैं पहले वी आर गिवन द कर्व टू बी वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डिफ्रेंशिएट कर लो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सी कैंड स्क्वेयर एक्स तो अब हम लिखते हैं यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ओरिजिन इज इट ऑल राइट क्योंकि उसी पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट जीरो जीरो विल बी गिवन बाय डेरिवेटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव तो मतलब माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट जीरो कॉमा जीरो अब देखो हमारे पास डेरिवेटिव ये है सी कैंड स्क्वेयर एक्स तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव हो गया माइनस वन अपॉन सी जीरो इज़ वन तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन आप स्लोप पता है पॉइंट पता है तो वी कैन डेफिनेटली ऑप्टेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लेटर्स ऑप्टेन नाउ हेयर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ओरिजिन इज इट ऑल राइट तो स्लोप इसको एम से डिनोट कर लो तो जब भी आपको लाइन के ऊपर पॉइंट पता है और स्लोप पता है यू नो दैट वी टेक इक्वेशन ऑफ लाइन एज y माइनस वाई वन इज एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन तो पुट कर देते हैं पॉइंट एंड सो वी हैव y स्लोपी है इन टू एक्स माइनस जीरो दैट मीन्स लाइन इज वाईक्वल टू माइनस एक्स या तो ऐसे लिख देते हैं आंसर और यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है तो ये आ गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट जीरो जीरो तो लेट्स राइट द आंसर फिलिंदी ब्लैंक्स था हमारा तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है वो आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज इट ओके सो दिस वाज़ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अगले पे मूव करते हैं ट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू अगेन इट इज फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इंक्रीजेज ऑन आर कि ए की क्या वैल्यू लें या कौन कौन सी वैल्यूज लें कि फंक्शन पूरे रियल नंबर पे हो जाए इंक्रीजिंग अब आपको पता है फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अपटेन द डेरिटिव लेटमी टेक द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वल टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी तो डिफरेंशिएट करो विद रिगार्ड टू एक्स एफ डैश एक्स आ गया अब हम लिखते हैं एफ इन इंक्रीजेज ऑन आर इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर अब एफ डैश एक्स वी हैव ऑप्टेंड एज दिस कॉस एक्स माइनस ए दिस इज द डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स कंडीशन इज नाउ कि कॉस एक्स माइनस ए शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स अब देखो इस इनिक्वेलिटी से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं व्हाट डज दिस एम्प्लाय दिस एम्प्लाईज दैट कॉस एक्स इज ग्रेटर देन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर या फिर ये कह सकते हो ए छोटा होना चाहिए cos x से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर इज इट ओके अब हमें यह बात पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू बेटा लाई करती है कहां से कहां तक माइनस वन से लेकर वन तक अब आप ऐसे सोचो जैसे हमारे पास नंबर लाइन पे सपोज दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन तो हमें यह चाहिए कि ए कॉस एक्स से हमेशा छोटा होना चाहिए नो मैटर वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो अगर मिनिमम वैल्यू कॉस एक्स की माइनस वन है तो ए जो है आपका माइनस वन से छोटा होना चाहिए ना तभी ए स्मॉलर हो जाएगा से फॉर एवरी रियल नंबर हर रियल नंबर के लिए कॉसेक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है तो ए उससे आपको छोटा चाहिए तो बस वी गेट द आंसर दिस एम्प्लाइज ए शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन या इंटरवल फॉर्म में कह सकते हैं ए बिलोंग करेगा इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल राइट तो लिखते हैं ऑप्शन में तो दिस वाज़ द फिल इन द ब्लैंक तो आपको बताना है ए किस इंटरवल में लाई करेगा तो वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन सो दीज आर दैल्यूज विच ए विल टेक इफ दिस फंक्शन हैज टू डिक्रीज ठीक है सॉरी इंक्रीज ऑन ऑल रियल नंबर्स राइट फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बस यही यूज करना है कि विल बी ग्रेटर देन जीरो राइट नेक्स्ट देखते हैं एट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थर्ड सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन इज अगेन फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इज दिस और एक्स आपको पॉजिटिव दिया है आपको बताना है किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करता है तो अब की बारीक बात हो रही है डिक्रीजिंग फंक्शन की तो लेट मी टेक द फंक्शन नाउ we have एफ ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन अब फंक्शन देखो डिक्रीज कब करता है जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव निकालने के लिए ना हम एक काम करते हैं टू अवॉइड क्वेश्चन रूल इस फॉर्म में अगर आप एफ एक्स ले रहे हो तो आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेट कर लो टर्म्स को वी गेट टू अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स फोर दैट मीन्स वी कैन राइट दिस फंक्शन एज टू टाइम्स एक्स रेस पार माइनस टू एंड माइनस एक्स रेस पार माइनस फोर अब डिफरेंशिएट करोगे तो यू वोंट हैव टू अप्लाई क्वेश्चनशियट नाउ विद रिगार्ड टू एक्स तो एफ डैश एक्स विल कम आउट टू बी देखो कितना आ गया माइनस फोर एक्स रेस पार माइनस थ्री देन माइनस माइनस प्लस फोर एक्स रेस पार माइनस फाइव इज इट ऑल राइट तो डिक्रीज करने के लिए हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए तो देखो एफ डैश एक्स पहले हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं फोर कॉमन ले लो ये हो गया एक तरह से माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस वन अपॉन एक्स फाइव लेट्स टेक एलसीएम आल्सो। सो ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन एक्स फाइव इज द एल्सियम और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेर प्लस वन तो दिस इज द डेरेवेटिव और आपको क्वेश्चन में याद है ना एक कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन जीरो और क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीज करता है तो डेफिनेशन अप्लाई कर दो f डिक्रीज इफ f डैश एक्स इज लेस देन जीरो डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए मतलब फोर अपॉन एक्स फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वेर प्लस वन शुड बी नेगेटिव नाउ नोटिस वन थिंग ये वाला जो पार्ट है बेटा क्योंकि हमारे पास एक्स पॉजिटिव है तो दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स पर फाइव उसका रेसी प्रोकल और फोर अपॉन एक्स फाइव क्या होगा पॉजिटिव होगा अब देखो अगर आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो यह वाला फैक्टर हमें नेगेटिव चाहिए बिकॉज पॉजिटिव इन टू नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव तो दिस फैक्टर शुड बी नेगेटिव ट मींस माइनस एक्स स्क्र प्लस वन शुड बी लेस देन जीरो तो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कर लेते हैं इस क्वालिटिक इनक्वेलिटी को सोल्व करने के लिए कोई भी क्वाडिटिक इन इक्वेलिटी सोल्व करते हैं तो आई होप यू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र पॉजिटिव एंड देन वी अप्लाई वेविक मेथड आफ्टर फैक्ट्राइजिंग इट तो वी गेट एक्स स्क्र माइनस वन अब ग्रेड देन जीरो हो जाएगा ना क्योंकि साइन ऑफ इन इक्वेलिटी विल रिवर्स इसको कर दो फैक्टराइज वी गेट एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो क्या क्या रूट्स आ गए ऑब्जर्व करो वी हैव रूट्स माइनस वन एंड वन अब स्ट्रिक्ट इन इक्वेलिटी है तो वी विल हैव ब्लैंक सर्कल्स दैट मीन एक्स कैनॉट टेक वैल्यू माइनस वन और वन फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कब लेते हैं जब दोनों फैक्टर्स में एक्स का पॉजिटिव हो और फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो कौन से वाला रीजन लोगे? प्लस वाला। तो ये ले रहा है। लेकिन एक कंडीशन हमें साथ में लो यहां पर जीरो है तो एक्स हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए तो कॉमन सोल्यूशन देखो क्या आ गया एक्स हमारा वन से लेकर लाई करेगा इंफिनिटी तक कर। तो वी विल से

ऑफ कोर्स वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा तो सबसे पहले फंक्शन लेके हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव तो लेटेस्ट डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स देखो क्या आ गया ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इट ऑल राइट दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट करते हैं जीरो पुट एफ डैश एक्स टू बीक्वल टू जीरो सी वॉट आर वी गेटिंग दिस एम्प्लाइज ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेर इज जीरो एक्स निकालो यहां से लेटेस्ट फाइंड एक्स तो वी हैव ए इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी अपॉन ए तो एक्स कितना हो जाएगा ऑब्जर्व करो

इट अगेन यहाँ पे देखते हैं तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये था एफ डैश एक्स वॉज ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर का मतलब एक्स की पावर माइनस टू अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट एफ डबल डैश एक्स ए का डेरिवेटिव जीरो फिर इट विल बी टू टाइम्स बी इंटू एक्स रे स्पायर माइनस थ्री दैट इज टू बी अपॉन एक्स क्यूब इज इट ऑल राइट पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे क्या आएगा देखो एफ डबल डैश अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए दिस विल बी इक्वल टू हाउमॉन रूट बी अपॉन ए का क्यूब पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है ए और बी हमें दोनों ही पॉजिटिव दिए हुए हैं क्वेश्चन में बेटा तो यह क्वांटिटी हमारी क्या हो गई पॉजिटिव तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है व्हेन एक्स इज अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए तो दैट मींस वी गेट देर फोर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन एफ मिनिमा तो ये किसका पॉइंट है मिनिमा का तो so फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट पे अब देखो फंक्शन हमें क्या गिवन था वी वर गिवन फंक्शन टू बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स तो मिनिमम एफ हम निकालते हैं तो एक्स को पुट करोगे कितना अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए पुट कर दो यहां पे तो वी गेट ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए मतलब रूट बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स तो रेसिप्रोकल ले लो तो इट विल बी रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी लेट अस सी व्हाट ऑल इज गेटिंग कैंसिल यहां पे आपका रूट ए कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कैंसिल हो जाएगा रूट बी बचेगा तो वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू बी इक्वल टू रूट ए बी प्लस रूट ए बी दट इज टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी राइट तो ये आएगी हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे लिख देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इट वॉज तो लेटेस्ट राइट द आंसर तो मिनिमम वैल्यू इज टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64 अगेन इट वाज फिल इन द ब्लैंक राइट सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड था हमारा ये और इसमें हमने किए क्वेश्चन नंबर 49 ऑनवर्ड्स जिसमें हमने एमसीक्यूज किए एंड प्लस वी हैव डन सम फिल इन द ब्लैंक्स एज ए टोल्ड यू अर्यर ऑल्सो अगर आपने सिक्स पॉइंट थ्री के ही और एमसी क्यूब जो बिफोर फोर्टी नाइन है दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड एग्जाम्पल्स ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम्पल्स जो एम सी क्यूज हैं इसी चैप्टर के एम सी आर टी एग्जाम्पलर एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव सो इफ यू डू द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एम सी क्यूज ऑफ सिक्स पॉइंट थ्री दैट विल गिव यू इन एफ प्रैक्टिस ऑल राइट जिससे आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव के हैं अलग अलग वो रिवाइज हो जाएंगे सो कीप प्रैक्टिसिंग And keep enjoying the benefit of our courses, and you don't miss any lecture. For that, don't forget to subscribe to the channel. Alright? So, thank you, and bye bye.